तगड़ा रहो। आप सोचेंगे, मैम ये क्या बोल रही हैं, ये तगड़ा रहो क्या है? वेल, तगड़ा रहो इज अ यूनिक सैल्यूटेशन ऑफ असम रेजिमेंट। इंडियन आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं और हर रेजिमेंट का अपना अपना एक सैल्यूटेशन होता है। कॉमन सैल्यूटेशन ऑफ कोर्स इज जय हिंद। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं असम रेजिमेंट के सैल्यूटेशन की। जब भी असम रेजिमेंट के जवान या ऑफिसर्स किसी से भी मिलते हैं, वो हमेशा कहते हैं तगड़ा रहो। दिस मीन्स आई विश यू गुड हेल्थ, हैव अ रोबस्ट हेल्थ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। माई फादर वॉज इन असम रेजिमेंट, तो बचपन से हमने तगड़ा रहो बोल के ही एक दूसरे को ग्रीट किया है। सो दिस इज पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड ऑल्सो। अच्छा, इसकी एक कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात तकरीबन 1960s की है, जब मेजर जनरल बारबोसा अपने असम रेजिमेंट के जवानों से उनकी वेलबींग पूछते थे, उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाहते थे, उनकी इमोशनल वेलबींग, परिवार में सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं, मतलब जवान इज हैप्पी, जवान इज एट पीस। जब ये पूछते थे तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते थे, तगड़ा है। अब आप पूछेंगे, तगड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? भाई, असम रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट से अलग अलग ट्राइब्स के जवान आते हैं, जिनकी हिंदी थोड़ी कच्ची पक्की है, तो इसलिए हिंदी को इतना सरल करके पूछते हैं कि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और वो रिप्लाई भी कर सकें। सो जनरल बारबोसा वुड आस्क देम, तगड़ा है, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, एंड दे वुड रिप्लाई, तगड़ा है साहब, मीन्स ऑल इज वेल सर। धीरे धीरे ये सैल्यूटेशन असम रेजिमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आज मैं आपको तगड़ा रहो के बारे में इसलिए बता रही हूं कि इट इज अ विश, इट इज अ डिजायर, इट इज लाइक अ ब्लेसिंग। आज के पैंडेमिक के टाइम पर ये एक आशीर्वाद की तरह है। तगड़ा रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, हैव अ रोबस्ट हेल्थ। आई विश ईच वन ऑफ यू गुड हेल्थ, एंड सो विश एवरी वन हुम एवर यू मीट, विश देम एज तगड़ा रहो। इट इज अ यूनिवर्सल ब्लेसिंग। ऑल ऑफ अस नीड दिस प्रेयर ऑफ स्टेइंग हेल्दी, स्टेइंग फिट। सो जय हिंद, एंड वंस अगेन तगड़ा रहो।